स्टूडेंट वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विद रिचा। सॉल्यूशंस चैप्टर चल रहा है आपका, और सॉल्यूशंस में हम नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और जो मोल फ्रैक्शंस वगैरह टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हम उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं देखती हूँ, ये है आपका मास परसेंटेज का। लेट्स सी, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन अ सॉल्यूशंस। हाउ डू वी सॉल्व इट, लेट्स सी। फर्स्टली वी टेक मास ऑफ सुक्रोज डिजॉल्व, हाउ मच मास डिजॉल्व, इट्स 10 ग्राम, एंड द मास ऑफ वॉटर इक्वल टू 100 ग्राम। ये स्टूडेंट सुक्रोज वर्क एज अ सॉल्यूट, ओके, एंड द वॉटर इज वर्क एज अ सॉल्वेंट। तो टोटल मास इज द सॉल्यूशंस, सो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशंस, व्हाट हैपेंड, सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो टोटल मास ऑफ इक्वल टू 100 ग्राम प्लस 10 ग्राम इक्वल टू 110 ग्राम, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। हेंस मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज व्हाट फॉर्मूला वी टोल्ड यू, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, देन टेक इट, इट्स अ मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 10, ओके, एंड बिकॉज वी आर टेकिंग इन अ परसेंटेज टू मल्टीप्लाई विद द 100, एंड द मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 110 and it's a multiply by 100. After the calculations the answer is 9.09, it's your answer. If you calculate 9 point, let's see here, yes, okay, mass of solute upon mass of solution, because we are taking the percentage so we multiply with 100, we put the value in it, solute mass equal to 10 gram and mass of solution is 110 gram, multiply 100 and after the calculating we get the answer 9.09, okay students. Next questions we are taking, let's see. A solution is prepared by dissolving 6.3 gram of oxalic acid in 100 centimeter cube, it's a volume, 100 centimeter cube of water, find the normality of the solution. Student last question depend upon the mass percentage, जैसे mass percentage मैंने आपको बताया था किस तरह से निकलते हैं, ये question है आपका normality का, okay, let's see how do we solve it. Firstly, we take molecular mass of oxalic acid. Molecular mass of oxalic acid. Equal to
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, सी डबल ओच का होल ट्वाइस मल्टीप्लाई 2H2O। डाइहाइड्रेट होता है ऑक्सैलिक एसिड, दो मॉलिक्यूल्स आपके वाटर के पाए जाते हैं। तो बेसिसिटी बेसिसिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स इन इन दैट, देर आर द टू मॉलिक्यूल्स, बेसिसिटी ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड इज टू। देन सो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इफ आई वी आर सीन दैट देर इज अ मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड विद द सॉरी 126, इट देर इज अ आई एम राइटिंग डाउन हियर 126 ग्राम। सो 126 अपॉन 2 इक्वल टू 63। ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व्ड इक्वल टू 1.63 अपॉन 63 मीन्स ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू लीटर इक्वल टू 0.1 लीटर इक्वल टू 0.1 लीटर, अदरवाइज आई एम राइटिंग हियर इट इज 0.1 लीटर। ओके, देन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इफ वी कन्वर्ट इन टू लीटर 100 अपॉन 1000 लीटर इट्स ऑल 0.1 लीटर, इट्स अ पॉइंट 0.01। ओके, हियर इज अ 0.0, आई एम राइटिंग नीचे वाला मैंने ऊपर लिख दिया है, इट्स अ 0.01। वेन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.01 आएगा और इसको कैलकुलेट करने पर ये 0.1 लीटर आएगा। यहाँ पे आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज मुझे पूरा दोबारा से करना पड़ेगा। ओके, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व इन 0.60 अपॉन 63 एंड हियर इज 0.01। ओके, एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 सेंटीमीटर 100 अपॉन 1000 लीटर और इधर से आ जाएगा आपका 0.1 लीटर। नाउ वी फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। Normality of the solution. Yes. What is the formula normality? Number of gram equivalent of oxalic acid अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इक्वल टू 0.01 अपॉन 0.1। तो व्हाट इज द आंसर, इज देन आंसर इज 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यस, दिस इज योर
आंसर। स्टूडेंट आज के लिए लेक्चर 5 में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब इसके बाद हम सॉल्यूशंस के आगे के जो टॉपिक होंगे चैप्टर यूनिट सॉल्यूशन से वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।